हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। Hey guys, do not forget to subscribe and hit the bell icon for ongoing updates on this channel. नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? ऐसे ही कोशिश कर रहा था गाने का। वैसे मैं सिंगर विंगर नहीं हूँ, लेकिन आप लोग के लिए मैं सोचा थोड़ा बहुत गा लूँ। हंसो हंसो और हंसो आप लोग। वैसे तो थोड़ा बहुत बेसुरा हूँ मैं, इतना भी बुरा भी नहीं हूँ। एनीवेज, आज जो मैं आया हूँ आपके लिए यह है कि अपने एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझको पूछा था कि सर ये जो माइक का डिस्टेंस है रिकॉर्डिंग करने के टाइम पे, ये जो डिस्टेंस लेवल है वो कितना रखना चाहिए। अभी माइक का जो है इसको जो लेवलिंग जो बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी। अगर मैं जितना पास जाऊंगा उतना मेरा आवाज़ बेस, मेरा जो बेस है लो एंड, इसको बोलते हैं लो एंड, वो ज़्यादा होगा। समझ गए आप? लो एंड जो है मेरा ज़्यादा होगा, और जितना मैं दूर जाऊंगा जो मेरा जो बेस है वो कम हो के मेरा हाइज ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए, बेस मेरा जितना मैं दूर जाऊंगा उसमें बेस मेरा कम हो जाता है। तो ये जो प्रॉक्सिमिटी है, हमको जज करना है कि हम लोग को कितना प्रॉक्सिमिटी चाहिए। हमको ज़्यादा बेस वाला चाहिए या हमको नॉर्मल चाहिए या हमको ज़्यादा हाई वाला चाहिए, कैसे, या दूर से आवाज़ जैसा चाहिए। अभी देखिए, मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी जैसे एमसी म्यूज़िक ने पूछा मेरे को, एमसी नहीं सॉरी माइक म्यूज़िक, वो पूछ रहे हैं सर रिकॉर्डिंग के टाइम माइक से कितनी दूरी होनी चाहिए। अभी सोच लीजिए माइक म्यूज़िक, अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो कोई डॉक्यूमेंट्री के लिए या कोई वॉइस ओवर के लिए या डबिंग के लिए, या आपको लगता है कि मूड के हिसाब से आपको थोड़ा डीप वॉइस चाहिए आपको, तो डेफिनेटली हमारे जो वॉइस ओवर लोग हैं तो वो लोग डीप वॉइस के लिए पास होके बात करते हैं। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन मेरा वॉल्यूम लेवल जो है बहुत ही कम है। समझ गए आप? मेरा वॉल्यूम लेवल कम है क्योंकि अगर मैं पास जाऊँगा डेफिनेटली मेरा वॉल्यूम सेम लेवल में, अगर मैं दूर से अगर बात करूँगा आपसे, पास में बात करूँगा तो वो क्लिप हो जाएगा। क्लिपिंग मतलब वो लाल रंग जो आता है आपका जो रिकॉर्डिंग के टाइम पर, वो होता है डिस्टॉर्शन हो जाता है बाद में, मतलब कट जाएगा आपका आवाज़। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली सबसे पहले तो साइड वाइड का सब जो आवाज़ है बंद करने के लिए हम लोग एक पॉप फिल्टर यूज़ करते हैं। या अभी मैं यूज़ करूँ आपके लिए पॉप फिल्टर, क्योंकि जब मैं पा सा स पा 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 पा, पा ये सब आवाज़ काट देते हैं ये फिल्टर, ठीक है। अभी लगा लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए मैं एक डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अभी मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ थोड़ा डीप वॉइस में, ठीक है। देखिए, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डीजे नियो और आपका स्वागत है व्लॉग्स बाय नियो चैनल में, ठीक है। ये एक मेरे एक इमोशंस के साथ दे रहा हूँ आप लोगों को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डीजे नियो और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। अगर मैं थोड़ा और एक्साइटमेंट में दे रहा हूँ तो ऐसे दूंगा, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डीजे नियो और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। देखा आपने, नमस्कार दोस्तों, मैं मेरा अब थू 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 नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डीजे नियो और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। देखो, मैं अभी इधर इतना दूर हूँ, मेरा प्रॉक्सिमिटी इतना है, लेकिन मेरा बेस जो है थोड़ा कम हो गया अभी नॉर्मल लेवल में। अभी मैं एक लेवल रख देता हूँ, मैं सोच रहा हूँ अपने आप को कि मैं हाईज मिड्स और लो सेम रखूँ। मैं थोड़ा अपने आप को एक हाथ का डिस्टेंस दे रहा हूँ, हाथ नहीं सॉरी मेरा ये जो उंगलियों से इतना हिसाब से, अब क्या बोलेंगे मुझे मालूम नहीं, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो अभी मैं इसमें दे रहा हूँ कि नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डीजे नियो और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डीजे नियो और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। देखा आपने, इसमें मुझे ना बेस हाईज मिड्स का कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ बाद में ईक्यू करके मैं मेरा बेस बढ़ा सकता हूँ, समझ गया आप। लेकिन अगर मैं थोड़ा और डेप्थ में जा रहा हूँ, मतलब ऐसा एक मौसम, बारिश हो रहा है बाहर और एक खूबसूरत लड़की उधर खड़ी है, मैं शादीशुदा हूँ तो प्लीज़ मैं टेंशन में नहीं आना चाहता, लेकिन मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको मूड के हिसाब से, ठीक है। और देखिए मेरा आवाज़, देखिए कुछ हो रहा है आपको, कुछ तो नहीं हो रहा ना, देखा आपने, बहुत ही डीप वॉइस में मेरा आवाज़ सुनिए,
तो ये जो है, लेकिन माइक को छूए मत। देखिए देखिए, माइक छूता ही कंडेंसर माइक्रोफोन है, जब माइक को छूता तो बहुत प्रॉब्लम होता। तो देखिए अभी मेरा आवाज़ जो है बहुत ही मध्यम सा, और मेरा बेस जो है बहुत ही अच्छा है। वाह क्या बात है, रेडियो में हम लोग ऐसी बात करते हैं, भूले बिसरे गीत रात को जब हम सुनते हैं तो वो लोग ऐसे ही बात करते हैं। और आप आज क्या बोलते हैं उसको, आइए सुनते हैं किशोर दा के भूले बिसरे गीत, राफी साहब के ये गाने, आइए हमारे साथ सुनते हैं। देखिए अभी तो ये जो है माइक का प्रॉक्सिमिटी लेवल आपके ऊपर होता है। तो हाँ, जैसे मैंने बताया आपको, माइक का जो प्रॉक्सिमिटी लेवल है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, वो आपके ऊपर है। अब और जितना मैं दूर जाऊँगा उतना मेरा जो है बेस कम होता रहेगा, और जितना पास आऊँगा और मैं अपना वॉल्यूम जो है मध्यम से बात करूँगा तो उसका जो है बेस ज़्यादा होगा मेरा। तो जितना आप लोग पास आते हो आपका बेस ज़्यादा रहेगा। तो आपको ये देखना है कि आपके हिसाब से नॉर्मली हम लोग जाकर गाना वाना गाते हैं, हम लोग इतना लेवल रखते हैं, ये देख लीजिए इतना लेवल में रख के हम लोग गाना गाते हैं। तो इतना लेवल डिस्टेंस बहुत ही अच्छा होता है गाना वाना गाना। तो अगर आप लोग कुछ डीप वाला वॉइस में अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप आगे आके रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये है माइक का एक्चुअली प्रॉक्सिमिटी लेवल हम लोग जो रखते हैं। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ नॉर्मली, जो ये वीडियो कर रहा हूँ अभी अभी आप लोग उस समय नॉर्मली बात कर रहा हूँ, तो अगर आप मेरे से दूर हो फिर भी मैं आपको आवाज़ वही दे सकता हूँ जैसे मैं देना चाहता हूँ, समझ गए आप। वो डिपेंड करता है कि मैं दूर से बात करूँ या पास से बात करूँ। तो दोस्तों प्रॉक्सिमिटी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, लेकिन ये भी ध्यान देना ज़रूरी है हमारा माइक का जो लेवलिंग है वो भी बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। तो कभी ऐसे नहीं हो सकता कि अगर मैं माइक का लेवल कम कर दूंगा और मैं आपसे आके बात कर रहा हूँ, देखिए हम लोग क्लिपिंग जो है उसको संभालना ज़रूरी है। अभी देखिए मैं लेवल कम किया लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन मेरा बेस जो है अभी भी ज़्यादा है, आप देख सकते हो सुन सकते हो मेरा आवाज़ जो है। और अगर मैं ज़्यादा दूर जाऊँगा डेफिनेटली मैं लेवल्स जो है बढ़ाऊँगा थोड़ा बहुत और आप लोगों से नॉर्मली बात करूँगा। इस लेवल में क्या होता है कि हमारा हाईज मिड्स और लोज जो है नॉर्मल लेवल में आता है। तो ये लेवल जो रखना होता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप गाना गा लो या आप बात करो। तो अभी मैं नॉर्मली बात करूँ आप लोगों से, ना मेरा क्लिपिंग हो रहा है आवाज़ और आप लोगों को बराबर सुनाई दे रहा है, और मेरे जो लेवल जो है बहुत ही साफ़ है। सेम उसी के हिसाब से जब रिकॉर्डिंग करते हो आपको ये दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है जो हम लोग ध्यान देना पड़ता है। एक है प्रॉक्सिमिटी लेवल, ये जो मैंने बताया आपको, ये देखिए ये है प्रॉक्सिमिटी लेवल, और दूसरा जो है माइक का जो लेवल होता है। माइक का लेवल प्रॉक्सिमिटी लेवल के हिसाब से हम लोग कम और ज़्यादा करते हैं। तो होपफुली माइक म्यूजिक मैंने आपका जो है कन्फ्यूजन जो है थोड़ा क्लियर कर दिया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। जैसे मैंने बताया आपको, आज से जो भी मैं करूँगा ट्यूटोरियल्स ऐसे इंटरेक्टिव मोड पे करूँगा। अगर आपको ये जो स्टाइल है अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे बताइए, क्योंकि जब मैंने देखा है कि प्रैक्टिकल वे में जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को, वो मेरे स्टूडेंट्स भी जो है जो मेरे से सीखते हैं उनको भी अच्छा लगता है। प्रैक्टिकल वे में जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ उनको वो फील भी होता है कि हाँ सर ये ऐसे सीखने में थोड़ा आसानी रहता है। तो दोस्तों अगर आपको ये पसंद आया होगा ये वीडियो और आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा स्पेशली माइक म्यूजिक के लिए, बताइए मुझे ज़रूर कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। और कोशिश भी ज़रूर कीजिए माइक म्यूजिक, और सिर्फ माइक म्यूजिक नहीं बाकी सब लोग भी कोशिश कीजिए कि आप लोग जब रिकॉर्डिंग करते हो कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। ठीक है, माइक लेवल अगर आप दूर जा रहे हो तो ज़्यादा कर दीजिए थोड़ा, लेकिन क्लिपिंग नहीं होना चाहिए। अगर पास आ रहे हो तो थोड़ा कम कर दीजिए, और जो मूड के हिसाब से आप लोग माइकिंग, इसको बोलते हैं माइकिंग, कर सकते हो आप। और जैसे मैंने बताया patreon.com है मेरा, patreon.com में जाके आप लोग मुझे हेल्प कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहूँगा आप लोग के लिए, सबके लिए। हर दिन हम लोग एक ही मोड में रहते हैं कि यार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो कभी भी कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कभी भी ये मत सोचना है कि आप परफेक्ट हो। हर दिन कुछ ना कुछ नया चीज़ आता है, टेक्नोलॉजी हर दिन चेंज हो रहा है, तो हम लोग नए नए चीज़ें सीखते रहेंगे। और मैं जितना सीखूंगा मैं आपको बताते रहूँगा, और आप भी मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में डालिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हाँ, जो हमारे दो नए नए जो सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बस इतना बोल के आज मैं चलता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।